एक बार फिर से स्वागत है आपका पब्लिक पोल में। देखिए आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मुकाबला जबरदस्त है त्रिकोणीय और हो भी क्यों ना। देखिए यह धरती महाभारत काल से जुड़ी हुई है और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वो पवित्र स्थान है ब्रह्म सरोवर का और उसके किनारे ही हम मौजूद हैं इस बड़ी राजनीतिक बहस के लिए। हमारे साथ अगर हम बात करें तो 3 अलग अलग दलों के मुख्य प्रत्याशी हैं, लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 दल ही मुख्य रूप से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, बल्कि यहां कई बड़े चेहरे कुरुक्षेत्र में और यही वजह है कि कुरुक्षेत्र एक हॉट सीट है। हम बताएंगे आपको एक एक करके कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम परिचय करा दें मेहमानों से कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से बात करें तो डॉक्टर गणेश दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जयपाल पांचाल जो कि प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, राजेश पायलट INLD से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि तमाम मुद्दों को हम कवर करें। JJP हमारे साथ JJP से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देखिए हम इनका भी पक्ष रखेंगे, इसीलिए हमने कहा कि हमारे साथ कई सारे नेता और कई सारे दलों के लोग मौजूद हैं जिनकी बात यहाँ पर होगी। और शुरुआत करेंगे, बड़े मुद्दे क्या हैं हरियाणा के, सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं क्योंकि हरियाणा के कौन से बड़े मुद्दे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र में ये इस बार चुनावी फैसलों को तय करेंगे। सर क्या लगता है इस बार हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर चुनाव? बेरोजगारी के बारे में है जी। हाँ जी, बेरोजगारी आपको लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी नतीजों को तय करेगा? क्या कहिए, किसानी, बेरोजगारी, बेरोजगार और किसान का मुद्दा? हाँ जी, किसानी, बेरोजगारी, यही दो मुद्दे सबसे बड़े लग रहे हैं। बेरोजगारी और महिलाओं का सम्मान, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, सभी कर्मचारी, वैसे तो बहुत से मुद्दे, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, ये मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। इस हुकूमत में सारे मक्कार नजर आते हैं और जिन्होंने लुटा दी जाने इस देश की हिफाजत में अपनी, इन गद्दारों को वो गद्दार नजर आते हैं। सर महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का तो दावा रहा है कि हमने महंगाई को नियंत्रित रखा है, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से इस विषय को बहुत उठाया गया। महंगाई आप खुद देखो ना कितनी महंगाई हो गई है। सिलेंडर कितने का था? 400 का था, अब 1100 हो गया है। पेट्रोल कितने का था और आज कितने का हो गया है? कोई भी चीज़ देखो, सब महंगाई सब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार हरियाणा में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का? देश की सुरक्षा को लेकर विशेष मुद्दा रहता है। वो कह रहे हैं बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, आप कह रहे हैं देश की सुरक्षा? वो उनका मत हो सकता है। भारतीय और हरियाणा देश के सबसे सुरक्षा के लिए मोदी जी को चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देश की सुरक्षा के लिए सर, इन्होंने पुलवामा अटैक हुआ था, अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, 5 साल हो चुके हैं। इसकी चर्चा है हरियाणा, हरियाणा में बहुत चर्चा है, पूरी पूरी चर्चा है, क्यों नहीं है? बच्चा कोई है, हर इंसान को पता है इस बारे में। सबसे मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, तो अब चलिए जरा कुछ मुद्दे तो आ गए हमारी बहस में। अब आपने सुना महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, और साथ में कह रहे हैं कि पुलवामा में तो कुछ पता ही नहीं चला। देखिए मित्रों, पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि कुरुक्षेत्र की है, पावन भूमि है, आप सभी को सादर नमन करता हूं और TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को भी सादर प्रणाम करता हूं। मैं बताता हूं कि हमारे मित्र ने जो बातें कही, यहां 3-4 बातें मुख्य हुई। एक तो महिलाओं की बात हुई। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वाति महिवाल के साथ जो कुछ हुआ है, अब महिलाओं का कितना ये सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो नीतियाँ शुरू करी थी, महिलाओं को वंदन अभिनंदन, और 3 करोड़ जो है ना महिलाओं को हमारी लखपति दीदी, करोड़पति जो है दीदी बनाने का लक्ष्य है वो सिद्ध करना, 2 करोड़ बन लिए हैं। मैं बताता हूं कि स्वाति महिलावाल अपने उदाहरण है अपने आप में। ये दूसरी बात तो रोजगार की, कि रोजगार तो जितने हमारे हरियाणा की ही अगर हम देखें, पूरे देश में 27 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए गए, चाहे वो स्टार्टअप की दृष्टि से दिए गए, चाहे वो जो है ना मुद्रा लोन की दृष्टि। वो लोग प्रमाण मांगते हैं, मैं प्रमाण रोजगार दिए तो वो है का। वह बात यह है कि जो प्रत्यक्ष है किम प्रमाणम, ये सब कुछ आंकड़ा, सब कुछ डिटेल आपके सामने है, कितने करोड़ पूछ लेते हैं, आंकड़े सामने, ये कह रहे हैं कहाँ है आंकड़े कुछ। देखिए मैं तो आपके TV9 भारतवर्ष के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इन तालाब के पानी को, कमल अब मुरझाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी बड़ी बहन स्वाति मालीवाल जी के साथ जो गलत हुआ उसके आरोपी को सजा मिलेगी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
इनका नेता नरेंद्र मोदी ब्रिजभूषण शरण के मामले में क्यों चुप सा दे रहा है, मेरे बात का जवाब देना। उन्नाव के अंदर जो कांड हुआ तब ये लोग चुप क्यों थे? आज देश पूछ रहा है, हरियाणा की बेटियां, देश का मान सम्मान, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे जूते के नीचे रोंदा, अपना वो मेडल देने के लिए प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़ी हैं। ये महिला सुरक्षा की आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर बीजेपी को हरियाणा में बड़ी चुनौती मिल रही है? केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में बीजेपी को चुनौती मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी जनता में से एक सवाल आया कि पुलवामा में कोई भी तरक्की, उनकी कोई जांच नहीं हुई, कोई पता नहीं आज तक लगा। मैं आपको बताता हूं कि पुलवामा में भारत माँ ने 40 लाल गंवाए थे, देख शहादत वीरों की धरती अंबर सब रोए थे, राष्ट्रवाद पर साहब जी ने डमरू खूब बजाया था, राष्ट्रवाद पर साहब जी ने डमरू खूब बजाया था, भावुक हो आंसू टपका कर कैसा रुदन मचाया था, कुछ दिन याद रहा फिर भूले, अब ना कोई तकरार रहा। ये केवल झूठी बात करते हैं, सैनिकों पर भी, महिलाओं पर भी। बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कभी, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अभी गिनवाया है ना सुमित जी ने। अंकिता भंडारी का क्या हुआ, क्या पता लगा कहीं, किसी की जांच हुई? ये जांच नहीं करते, केवल बात